ये हिंद टीवी न्यूज रोजाना की तरह आज भी हम आपको दिखाएंगे एक नई खोज, एक नई खबर। ना मिर्च ना मसाला, सीधा खबर से हवाला। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर देख आपका चैनल, आपकी आवाज, 24 घंटे आपके साथ। बोल बोले कि बोले ये बोले बम बम बोले बम बम बोले। कहाँ से आ रहे बाबा? हरिद्वार से। हरिद्वार से और बोले Oh, my God.
दाल मखनी और नान दम आलू बनाए जा रहे हैं। चौधरी महाराज सिंह जी की देख रेख में बनाए जा रहे हैं, हसन भाई साहब जी की तरफ से जो। और तो आप लोगों के लिए चौधरी बबलू जी है, हम उनका स्वागत करते हैं। चौधरी बबलू जी और जितने भी यहाँ पर, हम उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं। जो हमारे प्रेस बोल बोलेगी आज हम एक कांवड़ शिविर में आए हुए हैं, जहाँ पर हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक देखने को मिल रहा है। अभी भी आपने बम बम भोले हर हर महादेव की आवाज़ सुनी, आइए इनसे बात करते हैं। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक देखने को मिला, यहाँ पे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम डॉक्टर देवेंद्र कुमार है। जी देवेंद्र कुमार जी, यहाँ पर जो ये अब शिविर चल रहा है, इसके बारे में बताएँ। ये किस पार्टी की तरफ से है और कैसे कैसे है, कहाँ कहाँ के भोले इसमें आए हुए हैं? यह कांवड़ कैंप जो लगाया जा रहा है, पिछले 12 वर्षों से यहाँ पर लगाया जा रहा है। पूर्व विधायक बड़े भाई हसन अहमद जी की तरफ से और उनके सुपुत्र अली अहमद जी की तरफ से, जो अली मेहंदी जी हैं उनकी तरफ से लगाया जा रहा है। वो जब विधायक भी नहीं थे तब से इस कैंप को लगाया जा रहा है। आप हिंदू मुस्लिम एकता की तरफ से उन्होंने हमारा प्रचार किया है। आपको कैसा लग रहा है जैसे मुस्लिम की तरफ से कैंप लगाया गया सभी कांवड़ियों के लिए, सभी भोलों के लिए, तो बताइए कैसा लग रहा है आपको? हमको यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है और यहाँ पर दूर दूर से भोले आते हैं। यहाँ पर हमारे जितने भी मुस्लिम भाई हैं, जैसे मकसूद एमपी भाई, महबूद अंसारी भाई साहब और यहाँ पर चौधरी बबलू जी हैं जो मुस्लिम भाई हैं, वो भी एमपी भाई भी मुस्लिम भाई हैं, वो रात दिन यहाँ पर अपने घर को छोड़कर जब से कैंप सेवा में यहाँ पर लगता है, जब से यहाँ पर सेवा करते हैं। इसी प्रकार हमारे कॉलोनी के प्रधान हैं चौधरी महाराज सिंह जी की और अरोड़ा जी पास में बैठे हैं, इनका परिचय बताएं थोड़ा सा। हाँ बताएं थोड़ा सा, आप बोलिए बोलिए बोलिए। मेरा नाम महमूद हसन अंसारी है। जी महमूद हसन जी, ये जो आपने कैंप लगाया है, भोले की सेवा कर रहे हैं, आपको कैसा महसूस हो रहा है? ये हमारे बड़े भाई जो यहाँ से विधायक थे जी अहमद जी, 12 वर्ष पहले हमने और हमारे सभी साथियों ने मिल करके हसन भाई से मशवरा किया कि यहाँ एक कांवड़ कैंप लगाया जाए और हिंदू मुसलमान सारे मिल करके कांवड़ियों की सेवा करें। जो भक्त इतनी दूर से पैदल चल करके आते हैं वो हमारे शिविर में आए, बढ़िया से बढ़िया उन्हें खाना खिलाया जाए, बढ़िया से बढ़िया उन्हें नाश्ता करा जाए और बढ़िया से बढ़िया उनका इलाज हो। और हम अपने आप को बहुत बड़ा भाग्यशाली समझेंगे कि हम भोलों की सेवा कर सकें। रुक तो जाओ यार, एक मिनट आप बोलते रहिए, मैं सब दिखा रहा हूँ। जो आज माहौल चल रहा है आपस में जहर घूलने का जी, हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ाने का जी, यहाँ से हम दोनों भाई मिलकर के ये संदेश देना चाहते हैं, ये कितना भी जहर घूलने हमारे और हिंदू भाइयों के बीच में, हम कभी भी ऐसा नहीं होने देंगे। ये हमेशा हम हिंदू मुसलमान मिलकर के रहे हैं और मिलकर के रहेंगे। ये हिंदुस्तान हमारे लिए बागीचा है, इसमें तरह तरह के फूल है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई। हमें बहुत ही गर्व महसूस होता है कि हम भोलों की सेवा करते हैं। और पिछले कुछ साल पहले ऐसा वक्त भी हमारे सामने आया था कि रमज़ानों के अंदर ये शिविर चालू हुआ था और हम रोजे से होते थे और अपने कांवड़ी भाइयों की, शिवभक्त भाइयों की सेवा करते थे और इन्हीं के बीच में बैठ करके शाम को रोजा खोलते थे। ये यहाँ पर एक भोले भी बैठे हुए हैं, भोले हिंदू मुस्लिम एकता मंच आपको आज देखने को मिला, आपको कैसा प्रतीत हो रहा? बहुत बढ़िया लगा।
हैं, आप कहाँ से आए, थोड़ा अपना परिचय दें। मैं दिल्ली से आया हूँ। जल ले आए आप, अपने लेके आएंगे भी? जल लेके आ गए हैं। कहाँ से लाए जल आप? लाया हरिद्वार से, हरकीपुरी। और रास्ते में कोई विविधा वगैरह कुछ नहीं, किसी तरह की कोई परेशानी? सारे टाइम डिले हुए थे। आपके जो नियम होते हैं वो उसके बारे में बताएं आप, कोई भोले हैं जो नियम बताएं? नाम बताएं भोले अपना। विक्की है, विक्की राजा जी। विक्की जी बताएं, इसे जो नियम का उल्लंघन होता है उसकी क्या सजा होती है? सीधा बोलो, सब बढ़िया था, ऐसी बात नहीं है, सब कुछ बढ़िया है। रास्ते में सब पूरी सेवा दी,